सावन के महीने में वर्षा ऋतु होने के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जिधर नज़र दौड़ाइए दोस्तों, उधर हरे पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं। माता पार्वती को नेचर का स्वरूप माना जाता है और आज के दिन हरियाली तीज पर कुछ पौधे बहुत शुभ माने जाते हैं कि इनको लगाने से हम लोगों को शुभ लाभ प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से पेड़ पौधे लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि हरियाली तीज पर पीपल का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान का निवास स्थान माना गया है। इसलिए आज के दिन इस पेड़ को लगाने से भाग्य का साथ मिलता है और इस पेड़ को हम लोग अपने घर में बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं गमलों में, क्योंकि दोस्तों इस पेड़ को गमलों में वैसे लगाना संभव नहीं होता है, ये पेड़ ज़मीन में ही लगाया जाता है। केले का पेड़ भी आज के दिन हरियाली तीज पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ पर भी भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का निवास स्थान होता है। इसलिए आज के दिन अगर हम लोग अपने घर में केले का पेड़ लगाते हैं तो इससे हम लोगों को शुभ लाभ प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर तुलसी का वृक्ष भी लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। पुराणों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए आज के दिन हम सबको अपने घर में तुलसी के पौधे को ज़रूर जगह देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज पर नीम का पेड़ लगाना भी काफ़ी शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि नीम का पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों सभी को अपने घर में नीम का पौधा भी एक आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से और भी ऐसे पेड़ होते हैं जो आज के दिन लगाने शुभ होते हैं, जैसे आंवला है, बरगद है, ये भी बहुत शुभ पेड़ माने गए हैं। हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन हरियाली तीज पर इनमें से कम एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा।